Hello, students. How are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself, Jitin Singh, Jitu, sir, your English teacher. Guys, today in this video, we are going to study class 10th, the book name First Flight, second chapter, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So, Let's start for the explanation. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Guys, दिस चैप्टर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर मंडेला इस चैप्टर में बताया गया है कि जब फर्स्ट बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी स्थापित हुई और नेल्सन मंडेला वहाँ के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे तो इस चैप्टर में उनका इनोग्रेशन किस प्रकार हुआ इसके बारे में बताया जा रहा है टेंथ में यानी वो दस मई का दिन था डॉन ब्राइट एंड क्लियर मौसम साफ था और साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही खुशहाली भरा दिन था वो फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीस्ड बाय डिग्निटेरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स और पूरे वर्ल्ड के महान लीडर्स मंडेला को बधाई देने के लिए उसका रेस्पेक्ट करने के लिए आ रहे थे वर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन शपथ समारोह से पहले द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉयल साउथ अफ्रीका की धरती पर इतनी भीड़ कभी पहले इकट्ठी नहीं हुई थी इंटरनेशनल लीडर्स अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ पर बधाई देने के लिए इनाग्रेशन फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे द सेरमनीज़ टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थेचर फॉर्म बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया और जहाँ पर यह इनाग्रेशन हो रहा था वह सैंडस्टोन का बना हुआ एक एम्पी थेचर था और यह स्थान प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग है यानी ये इनोग्रेशन प्रोग्राम प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में होना था फॉर डिकेट्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी इस सीट पर दशकों से गोरी चमड़ी वाले लोगों का अधिकार था यानी जो गोरी चमड़ी के व्यक्ति थे स्किन वाले वो यहाँ पर शासन करते थे पहले दक्षिणी अफ्रीका में एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इनोग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक और जब पहली बार साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी स्थापित हुई इनोग्रेशन सिस्टम शुरू होने वाला था तो देश विदेश के लोग आए थे काफ़ी कलरफुल मौसम दिखाई दे रहा था नॉन रेशियल गवर्नमेंट और यह सरकार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी यानी इस सरकार पर किसी जाति का भेदभाव नहीं था ऑन द लवली डे अटमंडे आई वॉज़ अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी और जिस दिन ये इनाग्रेशन हो रहा था उस दिन वहाँ के पहले राष्ट्रपति बनने जा रहे थे नैलसन मैंडेला, तो वह इनाग्रेशन फंक्शन में अपनी बेटी के साथ थे जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो ये मंडेला की बेटी है और इनका नाम है जे नानी ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट सॉन इन ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट पोडियम पर जाकर मिस्टर डी क्लार्क ने मिस्टर डी क्लार्क ने साउथ अफ्रीका के पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली सॉर्न सोन में शपथ लेना देन थाबो मबेकी व इन एज़ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट और उनके बाद में थाबो मबेकी ने साउथ अफ्रीका के प्रथम डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली वेन इट वॉज माई टर्न और इसके बाद में नंबर आया मंडेला जी का आई प्लेस टू ओबे एंड अपोल द कॉन्स्टिट्यूसन तो मैंने शपथ ली कि मैं संविधान के नियमों का पालन करूँगा एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ़ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल और अपने आप को गणतंत्र की सफलता में समर्पित कर दूंगा यानी पूरे जी जान से मेहनत करूँगा किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखूँगा तो गैस ये आपने दो पैराग्राफ का एक्सप्लेन सुना इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ का पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे थैंक यू गाइस